मैं हूँ डाइटिशियन नताशा मोहन और आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी जिद्दी लड़की की कहानी जिसने 46 केजी से अपना वजन भी कम किया, शॉकिंग रिजल्ट्स भी पाए और तो और ट्रिपल एक्सएल साइज से आसानी से अब वो एक्स्ट्रा स्मॉल में फिट इन होती हैं। इसका ये मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम बात कर रहे हैं सारा अली खान के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां उन्होंने 96 केजी से 50 केजी तक अपना वजन कर दिखाया एक जिद के चलते। सारा अली खान एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए। ये कम्प्लीटली अनअबैश्ड और अनअपोलोजेटिक है और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाती अपनी फैट डेज की पिक्चर शेयर करते। और तो और फ्रॉम बीइंग द फैटेस्ट बॉलीवुड किड इन टाउन से अब हॉट एंड हैपनिंग एंड टू विन द बेस्ट डेब्यूटेंट फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर के उनकी जर्नी के बारे में, कितना समय लगा उनको पतले होने में, उन्होंने क्या क्या डाइट्स को फॉलो किया, I will be giving you a dietitian's point of view, ताकि उन सभी वेट लॉस टिप्स को फॉलो करके आप भी जल्द अपना वेट लॉस गोल अचीव कर पाए। दोस्तों, सारा अली खान को एक यंग एज से पता लग गया था कि उनको PCOS की प्रॉब्लम है। फिर वो अब्रॉड चली गई अपनी फर्दर स्टडीज करने के लिए, जहाँ पे उनको काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ड्यू टू वर्क और स्टडी स्ट्रेस के चलते उन्होंने अनलिमिटेड पिज्जा खाने शुरू कर दिए। उन्होंने मुंह जुबानी एक्सेप्ट करा है कि वो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों मील्स में पिज्जा ही खाया करती थी। सारा अली खान एक हार्डकोर फूडी थी और जब वो पढ़ाई करने बाहर गई तो वो एकदम अकेली रहा करती थी। तो डेफिनेटली जब उनके पास कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आसानी से शी गेव इन टू हर क्रेविंग्स, जो की थी जंक फूड और फास्ट फूड। पूरा टाइम वो सिर्फ पिज्जा पर ही बिंज ईट करती थी। जहां बगल में एक सैलेड की भी दुकान थी, लेकिन उन्होंने उस तरफ कभी देखा ही नहीं। All she opted for her meals was pizza. अब आप लोग तो जानते ही हैं कि पिज्जा कोई बहुत ज्यादा हेल्दी मील तो होता नहीं है, और खास करके तब जब आप उसको तीन टाइम ले रहे हैं। तो डेफिनेटली जिन लोगों को PCOS की प्रॉब्लम है या फिर जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस डेवलप हो जाएंगे अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा। तो पिज्जा वर्सेस सैलेड की जंग में सारा अली खान ने ये रियलाइज करा कि अगर उनको एक हिट बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना है तो जल्द से उनको अपना वजन कम करना पड़ेगा, सैलेड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी को खाके वो लाइट, एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करती थी। वेयर एज जब वो पिज्जा खाती थी तो वो सारा दिन सिर्फ बैठी ही रहती थी, एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करता था और हेवीनेस और लेजीनेस भी फील होती थी। तो जिन लोगों को पिज्जा और जंक फूड से है एडिक्शन, वो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं आपको ऐसी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जंक फूड भी खाने को मिलेगा और तो और बहुत सारी मोटिवेशन टिप्स भी। लेकिन हमारी प्यारी सारा अली खान की मोटिवेशन थी करीना कपूर खान और ऐश्वर्या राय। इनका तो सिक्का खूब चलता है बॉलीवुड में, इसीलिए तो ये हजारों लाखों लड़कियों की इंस्पिरेशन है। विद एन आवर ग्लास फिगर एंड अ ब्राइट एंड शाइनिंग स्किन, यही तो चाहिए जिन लोगों को बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह दिखना है। लेकिन काफी लोग डाइटिंग करके और भी ज्यादा डल दिखने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, उनको लेजीनेस फील होने लगती है, इनफैक्ट उनमें एनर्जी ही नहीं रहती। तो आप लोगों के लिए आज मैं डाइसेक्ट करने वाली हूँ सारा अली खान का डाइट प्लान, वो अगर कोई गलतियां करती भी थी तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि जल्द से जल्द आप सब लोग अपना वेट लॉस गोल अचीव कर ले। तो आइए शुरू करते हैं सारा अली खान का फेमस डाइट प्लान, जिनको खाके उन्होंने बहुत जल्द अपना वजन भी घटाया और अभी तक मेंटेन भी करा हुआ है। सबसे पहली डाइट जो सारा अली खान ने फॉलो करी वो थी कीटो डाइट, और कीटो डाइट में उनको रिजल्ट्स तो मिले बट शी फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं थी। उसको कुछ टाइम तक फॉलो करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही थी और वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कीटो अगर देखा जाए तो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस एट ऑल। तो जो लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं एंडलेसली फॉर मंथ्स, जान लीजिएगा कि अगर आपका वेट लॉस होगा लेकिन
उससे आपको काफी सारी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। तो काइंडली कीटो डाइट को ना फॉलो कीजिए। तो अब देखते हैं कि सारा अली खान ने फिर किस डाइट का सहारा लिया अपना वेट लॉस करने के लिए। सारा अली खान ने मुंह जुबानी खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने नो मिल्क, नो शुगर, नो कार्ब्स की डाइट काफी समय तक फॉलो करी थी, बट दैट वाज इक्वल टू अ सैड सैड लाइफ। उनका वेट तो कम हो गया बट फिर उनको बहुत ज्यादा निराशा होने लग गई थी बिकॉज उनको वेट लॉस के साथ में क्रेविंग्स भी हो रही थी। तो फिर उन्होंने कौन सी वाली डाइट का सहारा लिया फाइनली सस्टेनेबिलिटी के साथ में, आइए देखते हैं। सारा अली खान ने सहारा लिया 5 frequent meals a day डाइट का, जो बहुत ही इजी टू फॉलो है। और चाहे आप वर्किंग हो या फिर वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप एक गृहिणी हो या फिर आप एक टीनेजर हैं, कोई भी इसको आसानी से फॉलो कर सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको शॉर्ट इंटरवल्स के बीच में पोर्शन कंट्रोल के बीच में मील्स को खाना पड़ता है ताकि आपका पेट भी भरा रहे, आपको कामकाज करने के लिए एनर्जी भी मिलती रहे और तो और आपका वेट लॉस भी हो। तो सबसे पहले सारा अली खान उठते ही लेती थी अपनी एक मॉर्निंग ड्रिंक, उसमें वो लेती थी स्पिनिच, हल्दी और गर्मा गर्म पानी। इस गर्म ड्रिंक को वो सुबह ऑन एन एम्प्टी स्टमक सिप करके लेती थी। अब ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इट इज लोडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आपको सुबह ही आपकी बॉडी को बहुत हेल्प देगा टू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन्स। हल्दी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एंटी एजिंग है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है और ये पोटेंट वेट लॉस ड्रिंक के तौर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ऐसे कोई महंगे इंग्रीडियंट्स भी नहीं है जो आपको बहुत पैसा खर्च करके खरीदने पड़ते हैं। तो हमारी प्यारी सारा अली खान जो कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ और बिल्कुल सीधा साधा रहना पसंद करती है, उनकी मॉर्निंग ड्रिंक की चॉइस भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं भी आप सबको यही प्रिस्क्राइब करूंगी। अगर जो लोग मल्टी विटामिन्स लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उससे अच्छा तो ये वाली ड्रिंक करोड़ों दर्जे बेटर है। फिर सारा अली खान करती है तकरीबन 1 से 2 घंटे का वर्कआउट, लेकिन उसको करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, इसीलिए उनका प्री वर्कआउट मील बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पाते, एटलीस्ट 20 मिनट की वॉक ही कर लीजिए, उतने में ही काफी है। और आप लोगों को वॉक के पहले प्री वर्कआउट मील लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग प्री वर्कआउट मील लेते हैं बिकॉज वो जिम जाते हैं, उनके लिए ओट्स, म्यूसली एंड फ्रूट्स जो कि सारा अली खान लेती थी, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप चाहें तो ओट मील भी ले सकते हैं, वो भी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, या फिर सिर्फ एक बनाना से भी काम चल जाएगा। और जैसे ही उनका वर्कआउट खत्म होता था, उनको एक पोस्ट वर्कआउट मील लेने की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि वो 1 से 2 घंटा तक जिम करती थी जिसमें पिलाटेस करती थी, कार्डियो करती थी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती थी। इसका मतलब राइट आफ्टर द वर्कआउट शी डेफिनेटली नीडेड अ बूस्ट ऑफ प्रोटीन। तो उनका फेवरेट है ग्रीक योगर्ट, कॉफी एंड प्रोटीन पाउडर का एक मिश्रण, जिसको वो ऑफन एंजॉय करके एक डिजर्ट के तौर पे खाती थी। तो बस जैसे ही उनका पोस्ट वर्कआउट स्नैक खत्म होता था, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद वो लेती थी ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में वो क्या लेती थी, आइए मैं आपको बताती हूँ। अब ब्रेकफास्ट में वो लेना पसंद करती थी ऑमलेट एंड अ टोस्ट। टोस्ट वो लेती थी मल्टी ग्रेन, नॉट व्हाइट ब्रेड, और ऑमलेट भी वो लेती थी 3 से 4 egg whites का और उसके अंदर ढेर सारी सब्जियां डाल के। दोस्तों जब आप हाईली ओबीस कैटेगरी में होते हैं तो इट इज नॉट एडवाइज कि आप एग योक का कंजम्पशन करें, तो काइंडली इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जब आपका ऑलमोस्ट आइडियल बॉडी वेट के पास आने लग जाए आपका बॉडी वेट, तब आप लोग एग योक ले सकते हैं। बट जब आपका BMI बहुत ज्यादा है और आपको PCOS, डायबिटीज या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिससे आप जूझते हुए अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो एग येलो को अवॉइड करिए। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो अंडा खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं? वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक सैंडविच ले सकते हैं जिसके अंदर खूब सारा पनीर या फिर आप सोयाबीन या फिर दाल या चने के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं फिलिंग के तौर पे। सेकंड ऑप्शन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर है उपमा का, जिसके अंदर आप पीनट्स का यूज कर सकते हैं, आलू नॉट अलाउड, सब्जियां खूब सारी भर के डाल सकते हैं। या फिर आप चाहें पोहा ले सकते हैं जो घर घर में बनता है, बहुत ही इजी टू मेक ब्रेकफास्ट है। इसके अंदर कम से कम तेल डालिए और खूब सारी सब्जियां और पीनट्स तकरीबन 30 से 40 ग्राम, उससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे लंबे समय तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। और हाँ,
कुछ लोग हैं जिनको ओट्स खाना बहुत पसंद है मेरी तरह, तो वो लोग ओट्स भी एज एन ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप ओट मील ले सकते हैं, या फिर ओट का पैनकेक बना सकते हैं, या ओट्स का उत्तपम। आई लीव इट अप टू यू। आइए अब जल्दी से देखते हैं कि सारा अली खान अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में क्या लेती थी। दोस्तों, सारा अली खान तो मिड मॉर्निंग स्नैक लेती ही नहीं थी, क्योंकि उनका प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और ब्रेकफास्ट मिला के ही सुबह से 3 मील्स हो चुके हैं। लेकिन आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, उनको मिड मॉर्निंग स्नैक लेना बहुत जरूरी है। नाश्ता आपने 8 और 9 बजे के बीच में कर लिया तो 11 बजे हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट अ बिग बोल ऑफ फ्रूट्स। चाहे आप एक पूरा एप्पल लीजिए, या फिर एक बोल ऑफ पपाया लीजिए, या फिर आप चाहे गुआवा यानी कि अमरूद ले सकते हैं, या फिर एक केला भी ले सकते हैं। इन सब में से कोई भी एक चीज को चूज करिए। लेकिन हाँ, अगर आपको PCOS या फिर डायबिटीज है तो प्लीज केला मत खाइए। अगर आपको चाहिए तो हफ्ते में एक आध बार ले लीजिए, बट रोज मत खाइए, अनलेस यू आर हैविंग बैलेंस्ड मील्स इन द होल डे। और हाँ, यहाँ पर एक टिप उन लोगों के लिए जो फ्रूट्स एंजॉय करके खाते हैं, अभी राइट टाइम है अपने फ्रूट्स को और ज्यादा एनरिचिंग बनाने का। इसके अंदर अगर आप चाहें तो पम्पकिन सीड्स या फिर फ्लैग सीड्स स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। रोस्ट कर लीजिए अपनी सीड्स को लाइटली और हल्का सा 1 टीस्पून तक इसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे आपकी बॉडी को बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे, जो फर्दर इंप्रूव करेंगे आपकी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन बॉडी में। और फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है, और हेल्दी फैट्स का भी। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं जैसे ADE और K, उनके अब्सॉर्प्शन में भी बहुत मदद मिलती है। अब आती है लंच की बारी, जो 1 से 2 के बीच में अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए सारा अली खान की प्लेट, ये लेना पसंद करती है मोस्टली वेजिटेरियन। तो ये यहाँ पर ले रहे हैं 1 रोटी, ध्यान से देखिएगा रोटी का साइज कितना है, और ले रहे हैं 1 कटोरी सब्जी और सैलेड। वैसे तो ये प्लेट एक बहुत ही हेल्दी प्लेट है, लेकिन इसमें कुछ कुछ गलतियां हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो रोटी ले रहे हैं उसको तो मैं देती हूँ 2 थम्स अप, क्योंकि वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी मिलेट की रोटी। कभी कभी वो ज्वार, बाजरा, रागी, इनमें से कोई भी एक आटे की रोटी लेना पसंद करती हैं। ये जो रोटी ले रहे हैं वो है एक पाम साइज की, नॉट हैंड साइज, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप 1 से 2 रोटी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आप मिलेट की रोटी लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, लेकिन अगर गेहूं की भी लेना चाहे हैं तो चोकर मिला के जरूर लीजिए। उससे उसका GI इंडेक्स भी कम हो जाएगा और आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगी, और डेफिनेटली आपको डाइजेशन में भी बहुत मदद मिलेगी। अब देखते हैं सारा अली खान क्या गड़बड़ कर रही हैं। यहाँ पे वो ले रहे हैं 1 कटोरी भर के सब्जी, लेकिन सब्जी की पिक्चर से ये चीज क्लियर नहीं है कि वो कौन सी सब्जी ले रही हैं। अगर वो सब्जी में यहाँ पे या तो सोया, पनीर, काले चने, सफेद चने, राजमा, इनमें से कोई भी एक चीज ले रही हैं, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसको देख के नहीं लगता कि इस सब्जी में कहीं पर भी प्रोटीन की मात्रा है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि अगर हम अपने डेली मील्स में प्रोटीन की कंजम्पशन राइट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हमें भूख लग जाएगी। तो इस चीज को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हर मील में अपने प्रोटीन को अच्छे से भरपूर मात्रा में लेना सीखिए, लेकिन वो लो फैट होना चाहिए। ये नहीं कि आप फ्राइड ऑप्शंस चूज कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। आप लोगों को हेल्दी, कम तेल में बना हुआ घर का सिंपल और सादा खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। और तीसरी चीज जो ये ले रहे हैं वो है सैलेड, लेकिन बाकी दोनों चीजों की क्वांटिटी इतना ज्यादा है और सैलेड की क्वांटिटी इतनी कम, नॉट एट ऑल। मैं तो आपको प्रिस्क्राइब करूंगी कि एक छोटी क्वार्टर प्लेट भर के खूब सारा सलाद खाइए, और फिर उसके साथ में इन चीजों को खा के देखिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको खाना डाइजेस्ट करने में भी, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन में भी, और वेट लॉस में तो मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एक डाइटिशियन हूँ और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं खाना अपने क्लाइंट्स को देती हूँ वो डेफिनेटली ज्यादा एनरिचिंग लग रहा है, क्योंकि उसमें सैलेड की मात्रा भी भरपूर है, प्रोटीन भी है, और तो और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी है। तो अगर आप भी मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब ये तो हुई लंच की बात, आगे बढ़ते हैं स्नैक्स में, देखते हैं जब शाम की चाय में, शाम की छोटी छोटी भूख में ये क्या खाती हैं।
सारा अली खान लेना पसंद करती है उपमा, विच इज अ परफेक्ट ऑप्शन। ये चाय कॉफी तो नहीं लेती, बट हाँ उपमा खूब इंजॉय करके खाती है। आप लोग अगर चाय कॉफी लेना पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन चीनी का सेवन थोड़ा सा अवॉइड करिए। पूरे दिन में सिर्फ 2 टीस्पून्स तक अपने चीनी के इंटेक को रखिए और कोशिश करके चीनी को जैगरी से रिप्लेस कर दीजिए। कैलोरीज तो सेम ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन आपके बॉडी में और आ जाएगा। जैगरी इज हेल्दी, व्हाइट शुगर इज नॉट। और यहाँ पर अगर आप उपमा नहीं लेना चाहते तो आप चाहें तो मखाने ले सकते हैं, अबाउट 30-40 ग्राम्स, यानी कि एक आधी कटोरी का मेजरमेंट। और आप चाहें तो रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, एक पीस नारियल का ले सकते हैं, या फिर आप चाहें थोड़े से भुने हुए चने भी ले सकते हैं। तो अब आती है बारी इनके डिनर की। सारा अली खान अपने डिनर में लेना पसंद करती हैं रोटी एंड सब्जी, लेकिन वो तब जब वो अपना वेट मेंटेन कर रही हैं। जब वो अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी तो वो स्ट्रिक्टली लो कार्ब डाइट फॉलो करती थी, जिसमें वो रात के समय कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही कम मात्रा में लेना पसंद करती थी। यानी कि रोटी और चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, वो लेना पसंद करती थी या तो एग्स या फिर चिकन विद लॉट्स ऑफ सैलेड, एंड दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रोटी और चावल से नहीं, हमें सब्जियों से भी मिलती है। तो इन ऑल इट बिकम्स अ लो कार्ब मील अगर आप ग्रिल्ड चिकन के साथ में वेजिटेबल्स लेते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं वो यहाँ पे अगर चाहें तो एक बोल भर के मशरूम मटर की सब्जी ले सकते हैं या फिर पनीर मटर ले सकते हैं, उसके साथ में भर के सैलेड भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग रोटी खाने के आदि हैं वो भी आराम से रात को एक रोटी तक खा सकते हैं। याद रखिएगा, रोटी का साइज वही रहेगा आपकी पाम साइज का, और उसके साथ में आप ले सकते हैं कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन, चाहे एक कटोरी दाल हो, चने हो, राजमा हो, किसी भी प्रकार का जो भी घर में बना है आराम से आप लोग ले सकते हैं। बस कम तेल में बना हुआ हो, कोई भी फ्राइड ऑप्शन ना हो। और हाँ, अगर आप आलू ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में फिर रोटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चाहे आप आलू और मटर की चाट बना के लीजिए, आलू और चने की, उससे भी आपका पेट आसानी से भर जाएगा। लेकिन जिन लोगों को PCOS, डायबिटीज या कोई भी और हार्मोनल इम्बैलेंस है, उन लोगों को आलू का सेवन कम करना चाहिए। इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर यू। तो ये तो हुई बात इनके पूरे दिन की डाइट की। तो डाइटरी चेंजेस के बारे में तो आप लोग को पता लग गया, इसका मतलब आसानी से फॉलो करेंगे और झट से वेट लॉस हो भी जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, PCOS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को फिक्स नहीं करेंगे तो कैसे पतले होंगे। डाइटरी चेंजेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन सारा अली खान ने काफ़ी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी अपनाए। सबसे पहले तो उन्होंने रात की अपनी 8 से 10 घंटे की जो नींद है उसको पूरा करना शुरू कर दिया। लेट नाइट्स नॉट अलाउड। दोस्तों, लैक ऑफ स्लीप के चलते आपकी बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल के नाम का, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, एकदम से स्पाइक हो जाता है और आपकी बॉडी में रेड अलर्ट हो जाता है कि इस बॉडी में स्ट्रेस है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में आलतू फालतू की क्रेविंग्स होने लगती हैं। तो अगर आप सारा अली खान को फॉलो करेंगे, राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना, तो डेफिनेटली आपका ये जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को नहीं होने देगा। और सेकंड चीज जो सारा अली खान ने फॉलो करी वो थी अपने वाटर इनटेक को बढ़ाना। उसकी वजह से उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड भी नहीं होती और उनकी बॉडी में खूब सारी एनर्जी भी रहती है, उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहता है, जिसकी वजह से उनको अपना खाना डाइजेस्ट करने में, कैलोरीज बर्न करने में और भी ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, इनको तकरीबन 1 से 1.5 साल लग गया अपना वेट लॉस गोल अचीव करने में, लेकिन जब इन्होंने अचीव करा तो अभी तक इन्होंने इतने सालों में वेट पुट ऑन ही नहीं करा, क्योंकि वो अभी भी इसी सिंपल रूल को फॉलो करती हैं, ईट फ्रीक्वेंट मील्स, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, दिस इज व्हाट शी लाइक्स टू फॉलो, क्योंकि शायद उनका बॉडी टाइप डिफरेंट है। आप जब अपना वेट मेंटेन करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी किस तरह की डाइट को सबसे इजीली रिस्पॉन्ड करती है। और हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी फूडी है, वो अपनी पिज्जाज और चीट मील्स को नहीं छोड़ सकती। हर 10-15 दिन में वो एक चीट मील लेती हैं, एंड शी लव्स टू ईट चाइनीज। तो अगर आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया हो, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस वीडियो या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, जल्दी से पूछ डालिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू सून विद मेनी मेनी मोर एक्साइटिंग वीडियोस। अंटिल देन, टेक केयर।